नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे हेलोपेरिडॉल दवाई के बारे में, और इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई के उपयोगों के बारे में, साथ के साथ जानेंगे कि ये दवाई किस तरीके से हमारी बॉडी पर काम करती है, और जानेंगे यदि आपने ये दवाई ली है तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। साथ के साथ जानेंगे इसकी डोज कितनी होती है, और भी बहुत जानकारी इसी वीडियो में हम इसी दवाई के बारे में जानेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं हेलोपेरिडॉल दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए दोस्तों, इस दवाई का सबसे बड़ा उपयोग सिजोफ्रेनिया में होता है। देखिए दोस्तों, ये एक कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति के अंदर तरह तरह के ख्याल आने लग जाते हैं, और जीवन में जो सच्चाई नहीं है उस तरह के भी ख्याल आने लग जाते हैं। किसी समय बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है, या फिर कभी कभी बहुत एग्रेशन आ जाता है, या फिर कभी कभी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा शक होने लग जाता है। और ये जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करने लग जाता है, तो इस कंडीशन को सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। तो इस कंडीशन में हेलोपेरिडॉल दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एजिटेशन में यदि किसी के अंदर दिमाग में बहुत ज्यादा एग्रेशन आ रहा है, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है माइंड, तो भी हेलोपेरिडॉल दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, प्योरिटी सिंड्रोम में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, एबनॉर्मल मूवमेंट होने लग जाते हैं बॉडी के अंदर, और रिपीटेडली होते हैं, और इन मूवमेंट्स पर व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति आंख झपकाने लग जाएगा या फिर पैरों का मूवमेंट हो जाएगा, तो ये जो मूवमेंट है वो रिपीटेडली होते हैं और इस पर व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इस कंडीशन में भी हेलोपेरिडॉल दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि बेचैनी बहुत ज्यादा है, एजिटेशन बहुत ज़्यादा है, माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है असर देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों और इसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो भी हेलोपेरिडॉल दवाई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा बच्चों में यदि बहुत ज़्यादा बिहेवियरल जो है डिस्टर्बेंस है, जो मानसिक तौर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, तो भी हेलोपेरिडॉल दवाई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि ये किस तरीके से काम करती है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना कि देखिए दोस्तों, ब्रेन के अंदर डोपामाइन रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स को ये दवाई ब्लॉक करती है, और इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने से क्या होता है, दिमाग में हो रहे केमिकल चेंजेस को ये दवाई कम करती है, और दिमाग में ओवर एक्टिविटी को जो कम करती है। आइए दोस्तों जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि किसी को पहले इस दवाई से एलर्जी हुई है तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज है किसी में, तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि पार्किंसन डिजीज में डोपामाइन की जो एक्टिविटी है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब रहती है, और हमने यदि ये दवाई दे दी तो जो डोपामाइन है वो ऑलरेडी ज्यादा डिस्टर्ब होने का चांस है, तो इसलिए पार्किंसन डिजीज में इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा दोस्तों, यदि किसी को सीएनएस डिप्रेशन या फिर बोन मैरो डिप्रेशन, बोन मैरो जो है वो ब्लड बनाती है, तो बोन मैरो यदि पहले से ही अच्छे से काम नहीं कर रही है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। और दोस्तों यदि कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये सारे जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। आइए दोस्तों जानते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं जो देखने को मिल सकते हैं इस दवाई से। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। आपको स्क्रीन पर ये सारे साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे होंगे। इसमें से अगर हम बात करें तो किसी में ड्राउजीनेस या फिर कंफ्यूजन किसी में देखने को मिल सकता है, तो कुल मिला के जो दिमाग पर असर करती है, तो इसलिए दिमाग से रिलेटेड जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा देखने को मिल सकते हैं इस दवाई से। इसके अलावा ड्राई माउथ। तो दोस्तों ये था इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। आइए जानते हैं इसकी डोज के बारे में। दोस्तों अगर हम
साइकोसिस में दिमाग से रिलेटेड जो भी बीमारी है उसमें हम अगर हम बात करें तो 0.5 से 5 mg की इसकी जो डोज है वो रहती है, और ये जो डोज है वो 2 से 3 टाइम के लिए हम एक दिन में रिपीट कर सकते हैं। और दोस्तों यदि किसी को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं तो ये जो डोज होती है वो डॉक्टर 100 mg तक भी एक दिन के अंदर बढ़ा सकता है। और दोस्तों सिम्टम्स के ऊपर इसकी जो डोज है वो डिपेंड करती है, यदि किसी को सिम्टम्स जो है वो कम है तो इसकी जो डोज है वो कम रहती है, और यदि सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो ये जो डोज है वो 10 mg, 20 mg या फिर 50 mg, इवन 100 mg तक बढ़ सकती है। आइए दोस्तों जानते हैं इसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी की। दोस्तों इसकी टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 10 mg और 20 mg की जो टैबलेट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल रहती हैं। इसके अलावा इंजेक्शन भी अवेलेबल होते हैं 5 mg/ml के। दोस्तों इस दवाई को लेते समय एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, जो हार्ट से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं उनको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डोपामिन होता है दोस्तों वो दिमाग पर असर करने के अलावा जो हमारी खून की नलियां हैं या फिर हार्ट के ऊपर भी असर करता है। तो इसलिए हार्ट से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं उनको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो दिमाग से रिलेटेड जो सिम्टम्स थे वो कितने कम या ज़्यादा हुए उनको मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 70% तक रहती है। इसके अलावा प्रोटीन बाइंडिंग की अगर हम बात करें तो 90% इस दवाई की प्रोटीन बाइंडिंग होती है। और दोस्तों मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो लीवर में इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो मोस्टली होता है। और अगर हम बात करें हाफ लाइफ की तो 14 से 26 आवर इसकी जो हाफ लाइफ है वो होती है। और दोस्तों ये काफ़ी बड़ी रेंज है हाफ लाइफ की। और एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो फीकस से और यूरिन से इसका जो एक्सक्रीशन है फीकस और यूरिन के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये था फार्माकोकाइनेटिक डेटा के बारे में। तो दोस्तों ये था हेलोपेरिडॉल दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।